For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. आज 26 तारीख को किसान आंदोलन के 4 महीने होने व मोदी सरकार की हठधर्मिता और तानाशाही के खिलाफ पूर्ण तौर पर भारत बंद का जो आह्वान किया गया था उसे कामयाब करते हुए पूरा बाजार और चक्का जाम किया गया है। ये जो आज का बंद है, इस बंद का असर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से है। अगर आप नॉर्दर्न मध्य प्रदेश को देखेंगे, जिसमें ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, गुना है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में लगभग कंप्लीट जो है कि बंद है। बंद को बड़ा जो है कि समर्थन मिला है, जगह जगह जत्थे निकले और आम जनता ने भी जो है इस आंदोलन को समर्थन किया। देश के लोकतंत्र को बचाने का आह्वान है, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने का आंदोलन है, देश के आवाम को बचाने का आंदोलन है। क्योंकि मोदी सरकार किस तरीके के कानून ला रही है, उससे आने वाले समय में ना मजदूर बचेगा, ना किसान बचेगा, ना आम आवाम बचेगा। इसलिए ये लड़ाई आज पूरे देश के आवाम की है और हम यही गुजारिश करते हैं आज के इस बंद के दौरान कि आम जनता इस बंद के समर्थन में भरपूर सहयोग करे, ताकि इस देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके, इस देश की धर्म निरपेक्षता को बचाया जा सके और आने वाला जो भविष्य है नौजवानों का, उन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। इन सारे मुद्दों को लेकर आज ये बंद है। हम CII2 की ओर से भी इस बंद का पूरा समर्थन करते हैं। भारत बंद के तहत केवल यही संदेश किसान देना चाहते हैं कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये काले कानून रद्द नहीं होंगे, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे एक दिन का बंद हो, चाहे 10 दिन का बंद हो जाए, किसान इस लड़ाई को लड़ेगा और जीत के रहेगा। अनंत काल, अनंत काल।